अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन लेंगे, पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें 1 कटा हुआ प्याज शामिल कर लेंगे। अब 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर लेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर लेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर लेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल कर लेंगे। अब इसमें 1 टमाटो पेस्ट शामिल कर लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून पीसी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1 लेमन जूस। इन सब को भी मिक्स कर लेंगे। अभी आप फ्लेम कम कर दें और इसको साथ साथ मिक्स करते रहें। मिक्स करने के बाद 3 से 4 आलू की चिप्स शामिल कर लें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आई बटन प्रेस कर दें, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। इस रेसिपी को सिंपल भी सर्व कर सकते हैं या इसके साथ व्हाइट चावल भी सर्व किए जा सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।